नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या खूब कहा था, हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, जो कि हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान पर सटीक बैठता है। साल 2020 को लेकर इन तीनों मुल्कों को लेकर कई भविष्यवक्ताओं ने कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, जैसे कि साल 2020 में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा तो वहीं कर्ज में डूबा पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और पर्दे के पीछे रहकर ड्रैगन आतंकवाद को बढ़ावा देगा। साल 2020 से लेकर साल 2030 तक का जो सफ़र है काफ़ी लंबा है, लेकिन तथ्यों के आधार पर आज हम आपको बताएंगे कि साल 2030 में आखिरकार क्या कहता है भारत, चीन और पाकिस्तान का भविष्य। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। साल पहले भारत चीन की कुल जीडीपी 45% थी। उस दौरान पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। दुनिया के 45% धन पर इन दोनों मुल्क का कंट्रोल था। लेकिन पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने और फिर अंग्रेजों ने आकर जहां भारत में लूटपाट मचाई। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे गरीबी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, तो वहीं यूरोपियन ताकतों और ब्रिटेन ने अपने स्वार्थ में चीन की बर्बादी कर दी। आजादी के तुरंत बाद ड्रैगन तो फिर से अमीर देश बनने की राह पर चल पड़ा और अब भारत ने भी विकास की पटरी पर चल रही ट्रेन को पकड़ लिया है। लेकिन धर्म के आधार पर जिस पाकिस्तान की नींव रखी गई उस मुल्क की आवाम अभी भी बेहाल है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि तीनों पड़ोसी मुल्क साल 2030 में किस मुकाम पर होंगे। क्या कहता है इन तीनों पड़ोसी मुल्कों का भविष्य? पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहाल है, भारत में टेम्परेरी आर्थिक मंदी है, तो वहीं अमेरिका चीन ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है। साल 2030 में पाकिस्तान का भविष्य। पाकिस्तान को देखा जाए तो यह मुल्क प्राकृतिक संप्रभुता से संपन्न है। यहाँ की मिट्टी भारत के मुकाबले काफी उपजाऊ है, लेकिन इस जमीन का इस्तेमाल कृषि के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद को शरण देने के लिए किया जा रहा है। पैसे सिर्फ देश की मिलिट्री पर बहाए जा रहे हैं। अगर सेना की बजाय खेती पर मुल्क ज्यादा ध्यान देगा तो भविष्य में पाकिस्तान धान गेहूं जैसे फसलों को दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाएगा। आटे के बाद अब चीनी की भी कीमतें आसमान छू रही हैं। एक सामान्य रोटी की कीमत 12 से 15 रुपए पड़ रही है, तो वहीं चीनी की थोक कीमत अब 74 रुपए किलो पहुंच गई है, जिसको लेकर वजीर आजम के होश उड़े हुए हैं। मुल्क में आतंकवाद की जड़ें इतनी गहराई तक है कि घर से बाहर निकलते ही कब आप आतंकियों के निशाने पर आ जाएं कुछ पता नहीं। आलम यह कि अमेरिका से लेकर रूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत का दौरा तो कर लेंगे लेकिन पाकिस्तान की सरजमीं पर कदम रखने से कतराते हैं। जब राष्ट्राध्यक्षों का ये हाल है तो भला दूसरे देशों के नागरिक पाकिस्तान आने से क्यों ना कतराएं? अगर पाकिस्तान टूरिज्म पर जोर दे, विदेशी नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखे तो मुल्क का टूरिज्म आवाम को रोजगार दे पाएगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की खुद की सुपारको नाम की स्पेस एजेंसी है जिसने आज तक कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसकी दुनिया तारीफ कर सके। वहीं शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत है जो कि पाकिस्तानी युवाओं में स्किल की कमी है, इसलिए विदेशी कंपनियां पाकिस्तान में निवेश करने से कतराती है। साल 2030 तक आज के मुकाबले पाकिस्तान दो गुना अमीर हो सकता है। उस समय पाकिस्तान की जीडीपी $800 हो जाएगी, लेकिन ये तभी हो सकता है जब मुल्क में कई सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हो, बेहतरीन और मजबूत शिक्षा प्रणाली को स्थापित कर सके। पाकिस्तान स्किल्ड युवा जब अपनी कंपनी खोलेंगे तभी मुल्क आगे बढ़ पाएगा, कर्ज का बोझ कम हो पाएगा, वरना पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। साल 2030 में चीन का भविष्य। अब बात आती है चीन की, जो कई साल पहले ही सुपर पावर बनने के रास्ते पर चल पड़ा था और अब सुपर पावर बनने के काफी नजदीक खड़ा है। भारत चीन लगातार बराबर गरीब थे, लेकिन चीन ने युवाओं का ध्यान पॉलिटिक्स की बजाय टेक्नोलॉजी की ओर मोड़ा, शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की ओर जोर दिया और सुपर पावर बनने की तरफ चल पड़ा। उच्च शिक्षा के लिए विदेशों का रुख करने वाले भारतीय छात्रों की जब पढ़ाई पूरी होती है तो वो वही काम करना शुरू कर देते हैं। हर साल बड़ी तादाद में मुल्क का टैलेंट अमेरिका चला जाता है।
आलम यह है कि अमेरिका के शीर्ष पदों पर भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन चालाक ड्रैगन है जो अपने देश की प्रतिभा को विदेशों में जाने से रोक देता है। जिनपिंग सरकार विद्यार्थियों को उनके मन मुताबिक उच्च शिक्षा के लिए बाहर तो भेजती है, लेकिन जैसे ही उनकी पढ़ाई पूरी होती है उन्हें वापस लाने के लिए पैसों की नदियां बहा देती है। वही खेल में भी चीन खासा ध्यान देता है, तभी तो ओलंपिक्स में जहां पाकिस्तान की झोली खाली रहती है भारत कुछ एक पदक ही जीत पाता है, तो वहीं 100 से भी ज्यादा पदक चीन अपने नाम कर लेता है। अगर देश का विकास इसी रफ्तार से होता रहा तो आज के दौर में चीन की जीडीपी जहां 14.2 ट्रिलियन डॉलर है तो वो 2030 में 26.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। आलम यह कि साल 2030 तक अमेरिका को पछाड़ चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा, दुनिया में एक नया सुपर पावर के तौर पर उभरेगा। साल 2030 में भारत का भविष्य। अब बात आती है अपने मुल्क भारत की। विकास की जो रफ्तार चीन ने 30 साल पहले पकड़ी थी, भारत ने उसे पिछले 10 सालों में पकड़ी है। हम अपने पड़ोसी मुल्क चीन से 20 साल पीछे रह गए हैं। आज देश की जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा और 2030 में ये जीडीपी 9 ट्रिलियन डॉलर के पार हो जाएगी, क्योंकि मुल्क के पढ़े लिखे युवाओं ने कंपनियां खोलनी शुरू कर दी है, जो कि मुल्क में स्किल्ड युवाओं की काफी कमी है और ये बात पीएम मोदी बखूबी जानते हैं, तभी तो उन्होंने स्किल्ड इंडिया पर जोर देना भी शुरू कर दिया है। एक सर्वे की माने तो भारत में 57% इंजीनियर्स को इंजीनियरिंग का काम भी ढंग से नहीं आता। यहाँ माँ बाप बच्चों के टैलेंट पर ध्यान देने के बजाय मार्क्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पेरेंट्स कंपनी में काम करने की सलाह तो देते हैं, लेकिन खुद की कंपनी खोलने की कोई नसीहत नहीं देता। साल 2030 तक भारत में 200 से ज्यादा स्मार्ट सिटी होंगी। 2030 तक भारत उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां पर आज चीन है। युवक पढ़े लिखे होंगे, चीन से मोबाइल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भारत खुद के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना पाएगा। अगर मोदी सरकार यूं ही गरीबों के लिए काम करे तो 2030 तक मुल्क गरीबी रेखा को पार कर लेगा और साल 2030 में भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरेगा, जहां छोटे से लेकर बड़ी चीजें बनने लगेंगी। तो हमारे देश में विपक्ष से लेकर जो गुमराह युवा है, जो यूथ है, वो ये सोचते हैं कि देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, रोजगार की कमी है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में रोजगार की कमी नहीं है बल्कि अच्छे प्रोफेशनल्स की कमी है। लेकिन साल 2030 में आप भारत को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी ये भी बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। साथियों, दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि दिल्ली ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है, ये भारत के भिन्न भिन्न रंगों को एक जगह समेटे हुए एक जीवित परंपरा है। ये दिल्ली सबका सत्कार करती है, सबको स्वीकार करती है। बंटवारे के बाद जो लोग यहां आए, देश के अलग अलग हिस्सों से अपने सामर्थ्य को आजमाने जो लोग यहां आए, हर किसी हिंदुस्तानी को दिल्ली ने दिल में जगह दी। जो यहां बस गए उन्होंने भी पूरे तन मन और श्रम से दिल्ली को आज यहां पहुंचाया है। दिल्ली के विकास में हर दिल्लीवासी के पसीने की महक है। ये चुनाव दिल्ली के इसी गौरव को, 21वीं सदी की पहचान और शान देने का संकल्प है। ये चुनाव
एक ऐसे दशक का पहला चुनाव है